हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ फिर से एक नई और बेहतरीन सी रेमेडी आप लोगों के साथ में। जैसे कि मैं हमेशा रेमेडीज़ लेकर के आती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो ये वाली रेमेडी भी उसी तरह की है एंड आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाली है। आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर होने वाली हैं, झाइयाँ झुर्रियाँ जो भी होती हैं वो सभी भी कम होने वाली हैं। होम रेमेडीज़ की ना खास बात ये होती है कि वो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं छोड़ती हैं आपकी स्किन में, आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करती हैं, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है अगर आप इन्हें सही तरह से अप्लाई करते हैं। जो जो इन्ग्रीडियंट्स आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं वो मैं आपके साथ में कभी भी शेयर नहीं करती हूँ, वो मैं इन रेमेडीज़ में ऐड ही नहीं करती हूँ। और ये सभी फेस मास्क एकदम फ्रेश होते हैं, आप तुरंत बनाते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, इसीलिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। एंड साथ ही बिना पैसे वेस्ट किए आप अपनी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लोइंग और चमकदार बना सकते हैं, वो भी घर पे आसानी से कुछ रेमेडीज़ के साथ में। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया सा फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ आपके फेस के लिए। तो इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पल्प ले लेना है। मैंने बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर हाफ बनाना इसमें ऐड कर लिया है। एंड ये जो बनाना होता है ना, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ये हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। बेसन सभी के घर में इजीली मिल जाता है, तो हमने यहाँ पर एक बड़े चम्मच बेसन ले लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर मलाई, तो हमें यहाँ पर एक बड़े चम्मच इसमें मलाई का ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, एंड आपको कोकोनट ऑयल भी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। और फिर क्या करना है आपको, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितने अच्छे से मिक्स करेंगे आप उतना ही बढ़िया सा पेस्ट बन करके रेडी हो जाएगा ये। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप यहाँ पर मलाई को स्किप कर सकते हैं एंड इसकी जगह पर आप दही का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये फेस पैक विंटर सीजन के लिए बेस्ट है, आराम से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस फेस मास्क के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होने वाला है। तो आपका कोई भी स्किन टाइप है आप इसे बिना सोचे अप्लाई कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के लिए ये फेस पैक परफेक्ट है। तो अभी ये हमारा फेस पैक बन करके रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए एंड आप इसकी कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। अब मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। एंड आपको इस फेस मास्क को बनाना पील से अप्लाई करना है, जो बनाना पील होता है ना यानी कि केले का छिलका, उसको आपको ले लेना है थोड़ा सा एंड उसी से आपको इस फेस पैक को अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है अच्छे से। तो आपको इससे अपने फेस पे ना एक बढ़िया सी थिक सी लेयर अप्लाई कर लेनी है। तो ये फेस मास्क ऑल स्किन टाइप के लिए है एंड साथ ही आप इसे हर सीजन में अप्लाई कर सकते हैं, इसके कोई भी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। एंड साथ ही बॉयज और गर्ल्स सभी इस फेस मास्क को अप्लाई कर सकते हैं एंड वीक में 2 से 3 बार आप इस फेस मास्क को आराम से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। आपके फेस पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग साइंस, पिगमेंटेशन ये सभी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगा इस फेस मास्क को अप्लाई करने के बाद, और आपकी स्किन ब्राइटन अप और टाइटन अप हो जाएगी एंड साथ ही आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आने लगेगा, आपकी स्किन शाइन करने लगेगी और आपकी सभी स्किन प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। तो आपको इस फेस मास्क को 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और इसके जो बेनिफिट्स है वो आपकी स्किन में आ जाएंगे, देन आपको इसे रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पर वेट हैंकी से सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से पोंछ लिया, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट अपने फेस को सीधा वॉश भी कर सकते हैं एंड देन आप मेरी स्किन को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्लियर, ग्लोइंग और ब्राइटन लग रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक क्रीम बनाने वाली हूँ, नाइट क्रीम, जो
कि विंटर के लिए बेस्ट है, आराम से आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, और इसे आप डेली अप्लाई कर सकते हैं रात में सोने से पहले। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बड़े चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कोकोनट ऑयल इसमें ऐड कर देना है, यानी कि नारियल का तेल। तो मैंने एक चम्मच इसमें नारियल का तेल ऐड कर दिया। फिर इन दोनों को अच्छे से आपको मिक्स करना है जब तक कि ये एक क्रीमी सा टेक्सचर में नहीं आ जाते हैं। और फिर जब ये दोनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हमारी ये जो नाइट क्रीम है ना, ये बन करके रेडी हो गई है। एंड इतनी आसान तरीके से ये बन गई है सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स में, और उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए ये। तो आप इसे रात में जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देना है, देन आपको सुबह मॉर्निंग में अपनी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, हाइड्रेटेड लगेगी। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी कर देगी ये क्रीम। एंड इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आप थोड़ी देर तक मसाज करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ये क्रीम आपके फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरे वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी, और मैं इसी तरह की और भी रेमेडीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।